नमस्कार। बोकारो ओपन खो खो प्रतियोगिता संपन्न दोनों वर्ग के खेल में केडी लाइन सेक्टर 8 ने मारी बाजी। बोकारो जिला स्तरीय ओपन खो खो प्रतियोगिता का समापन सेक्टर 12 स्थित खो खो मैदान में रविवार को हुआ, जिसमें जिला के 10 टीमों ने शिरकत की। इस दौरान रांची में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। खेल का उद्घाटन समाजसेवी उदय सिंह, जिला खो खो संघ के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर, महासचिव एमएन सिंह, सुमित कुमार मल्लिक, अनिल प्रसाद ने नारियल फोड़कर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मैच का प्रारंभ बालक वर्ग ने किया। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि समाजसेवी कुमार अमरदीप ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदय सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना का महत्व बताते हुए कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है, सदैव अनुशासन और समर्पण के साथ जुटे रहना चाहिए। समापन समारोह में विजेताओं के अलावा अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के समापन में बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने पहुंचकर खेल का आनंद उठाया और अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। खो खो में जिला स्तरीय ओपन प्रतियोगिता के बालिका वर्ग ने केडी लाइन्स ने आशस क्लब को 08 के मुकाबले 05 अंकों से पराजित कर बाजी मारी। बालक वर्ग के केडी लाइन्स ने हॉली क्रॉस चंदन क्यारी को 09 से मुकाबले में 04 अंकों से पराजित की। वहीं खेल में खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने पहुँचे गणमान्य अतिथि अधिवक्ता रंजीत गिरी, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार रंजीत कुमार, शशि सिंह, संटू कुमार, धनंजय कुमार, राजा जनक, पवन सिंह, दीपक कतोरिया, शिवदयाल चौधरी, समाज सेवी योगपूर्ति अमित, खेल के संस्थापक संजय कुमार, संतोष आदि उपस्थित थे। लास्ट टाइम में जाके घूम गया। बस 20 सेकंड है नीचे।